सत श्री अकाल बेटा सारिआं नूं, की हाल है सारिआं दा। अपना थोड़ा जिहा लेट हो गया मैं तुहानूं वीडियो भेजण च, सो स्टार्ट करिए। लास्ट टाइम जे तुहानूं याद होवे तां आपां टॉपिक कंप्लीट कीता सीगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैगनैटिक डायपोल। आपां चैप्टर स्टार्ट कीता सी मैगनैटिक फील्ड्स फील्ड इन मैटर। सो हुण आपां एक केस इहदेच कीता सीगा जदों आपणे कोल मैगनैटिक डायपोल यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड दे विच हैगा। बट हुण आपां की करांगे, हुण असीं इस केस दे विच मन्निया होया वी जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड आ दिस इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, सो हुण असीं इह मन्निया होया वी इह यूनिफॉर्म नहीं हैगा। आज स्टार्ट कर दें। सो फोर्स की होगा जो एक मैगनैटिक डायपोल नूं आपां रख्या होगा एक नॉन यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड दे विच। नॉन यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड मीनस जिहड़ा फील्ड आ ओह अपने कोल फील्ड इज़ नॉट सेम एट एवरीवेयर। ठीक है, एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस इट हैज़ सम डिफरेंट वैल्यू। आपां इस गल नूं समझदे हां वी, मान लो कोई मेरे कोल जगह दे उत्ते जिदां हाँ मेरे को एक बॉक्स है क्यूब, तो उन्हें सारे कित मैगनैटिक फील्ड लाइनज सेम इंटेंसिटी दग रही हैं या ठीक है वो फ्लैक्स सेम। सो उ आप कह सकते हैं मैगनैटिक फील्ड जरा यूनिफॉर्म है। बट कई बार स्पेस इदा का होंगे ज मैगनैटिक मैगनेट्स इदा के होंगे जिन्हें करके मैगनैटिक लाइनज फोर्स जो अपने को डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट होंगे ने। सो उन्होंने स्ट्रक्चरल करके हो जाता है। सो इस केस दे विच आपां इदां दा ही मन्निया वी अपने कोल जिहड़ा डायपोल आ ओह मान लो वी इदां एंगल ते पिया एक, ठीक है ऐ मान लो वी पिया। सो जिहड़ा ओह अपने कोल डायपोल आ ते आपां इह मान लांगे कि उहदी जिहड़ी लाइन आ, ठीक है अपने कोल इदां कह लो वी मैगनैटिक फील्ड उत्ते नॉन यूनिफॉर्म है वी, कुछ लाइनां ऐ नूं जा रही हैं कुछ लाइनां ऐ नूं जा रही हैं, ओह तुसीं थोड़ा जिहा इमेजिन करके देखो। सो उदां दे विच आपां डायपोल रख्या होया। हुण केस की है, केस ये कहिंदा आपां नूं पहिलां वी पोटेंशियल एनर्जी तां आपां किसी एक मैगनैटिक फील्ड दे विच फाइंड आउट कर ली की हुंदी है, दैट इज़ यू इज इक्वल टू माइनस म्यू एम बी। ठीक है, सो आपां ओह लिख ली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैगनैटिक डायपोल हैविंग डायपोल मूवमेंट म्यू एम इज सब्जेक्टेड टू द मैगनैटिक फील्ड बी वैक्ट। ठीक है, वह अपने कोल इज यू इज इक्वल टू म्यू एम बी हो गया। हुण कहिंदा इफ द मैगनैटिक फील्ड एक्ट्स ऑन डायपोल इज नॉन यूनिफॉर्म, जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड एक्टिंग है वह नॉन यूनिफॉर्म है, कहिंदा इट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स एज वी हैव डिस्कस्ड, सो द पोटेंशियल एनर्जी यू विल आल्सो वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, दिस विल आल्सो वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। सो इन दिस केस वी नो दैट द फोर्स एंड पोटेंशियल, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी दीज आर टू डिफरेंट क्वान्टिटीज विच आर रिलेटेड एज एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू। ये चीज़ आप पिछों चकी है। ठीक है, ये आप पहला भी गल की जो आप इलैक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की गल की, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू। सो जिदा थानू याद होवे, कन्फ्यूज नहीं होना, आपां की कीता सीगा यू अपने कोल पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो इस थां ते आपां वी लिख लिया। सो इलैक्ट्रिक फील्ड नूं आपां लिखदे हुंदे सी माइनस डी वी बाय डी आर। सो इलैक्ट्रिक फील्ड अपने कोल की हुंदी सी फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो उत्थे आपां इलैक्ट्रिक फील्ड की थां ते हुण फोर्स पा लिया, तो पोटेंशियल पोटेंशियल की थां ते पोटेंशियल एनर्जी पा ली, बस इन्ना कि डिफरेंस है। ठीक है, सो इट बिकम्स जदों आपां ए वाली वैल्यू इहदे विच भरांगे, यू दी वैल्यू इहदे विच भर दो, तो अपने कोल आ जूगा माइनस डेल माइनस यू एम म्यू एम डॉट बी। एंड अगे सॉल्व करना कितना कोखा है, तुसी बहुत सियाने हैं, ठीक है कर लोंगे। किदा करना है, एफ वैक्टर इज इक्वल टू डेल माइनस ही ना माइनस माइनस प्लस हो गया, कटे गए हो आपस कैंसल आउट हो गए। हुण कहिंदा वी कंसिडर करो अगेन कोर्स दे स्टार्टिंग दे विच जिहड़ी आपां गल करदे सी फार्मूला आ, इहनूं आपां सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि इतने डेल आ, हुण किहनूं वेरी कर रहा, म्यू नूं कि बी नूं, खोल के सारे नूं देखना जरूरी है अपने कोल। सो हुण असीं की करांगे, असीं इहदा फार्मूला लगाया, मान लो वी डेल
ब्रैकेट ए डॉट बी, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट है दो वैक्टरों का नाल डेल है। जो इन्हों आइडेंटिटी खोलिया अपने को आइडेंटिटी है, ये अपन डिस्कस की हुई है पहला, ठीक है, फार्मूले जो आप वैक्टर वाले पढ़े से। सो कहिंदा भी ऐ करो ए नू इत्थे म्यू एम फिल कर दो, आह चीज़ का करना ना सॉल्व अपना, ए डॉट बी ए नू म्यू एम रहन दिता तो इत्थे वाला बी वैक्टर है जिहड़ा उन्हों मैगनैटिक फील्ड वैक्टर बी बना दिता अपना। सो म्यू एम डॉट बी आह वाला केस बन गया। हुण की कीता ए दी थां ते म्यू लिखी जाना तो बी दी थां ते बी ओ ही लिखना, आ सारा फार्मूला लिख दो, ए दी थां ते म्यू आ गया, ए दी थां ते म्यू, बी दी थां ते बी ओ ही होना। सो जिथे जिथे ए आ उथे उथे म्यू रिप्लेस कर दो। हुण ध्यान नाल देखो इहदे विच अपने कोल एक आ टर्म है फस्ट टर्म, दूजी टर्म आ वाली देख लो, ठीक है, डेल क्रॉस म्यू, डेल की अपने कोल डिफरेंशिएबल ऑपरेटर, डिफरेंशिएशन मतलब करली बाय करली एक्स, मतलब किसी डायरेक्शन दे विच वेरिएशन। सो हुण जे ध्यान नाल आपां इस चीज़ नूं देखिए ऑबजर्व करिए, किसी डायपोल दी डायपोल मूवमेंट अपने कोल की हुंदी है कॉन्सटेंट, क्यों, क्योंकि डायपोल मूवमेंट की हुंदी है पोल दी स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, जे मैगनेट है तो अपने कोल पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम हो जाती है इंटू लेंथ हो जाती, कादी मैगनेट दी, बार मैगनेट दी जिहड़ी लेंथ है। सो पोल स्ट्रेंथ भी कॉन्सटेंट है, वह भी कॉन्सटेंट है, डायपोल तो कॉन्सटेंट ही है ना डायपोल मूवमेंट। सो जे डायपोल मूवमेंट कॉन्सटेंट है तो जे आप डेल ये अपलाई किया आ वाले केस च, तो आ वाले केस च जो आप डिफरेंशिएशन करांगे तो कॉन्सटेंट की डिफरेंशिएशन अपने को होंगी है जीरो, जे जीरो हो तो फस्ट टर्म तो थर्ड टर्म दिस विल बी जीरो, सो अपने को जीरो आ गया। हुण अपने को इक्वेशन च की रह गया, सैकेंड टर्म रह गई आ लिख ली, तो लास्ट वाली टर्म रह गई, ठीक है। हुण जिहड़ा भी है अपने को है मैगनैटिक डायपोल है फील्ड दे विच पिया है, जे मैगनैटिक डायपोल फील्ड दे विच पिया कितने करंट हैगा, इत्थे फ्री करंट बाउंड करंट होवे, किसी तरह का करंट नहीं हैगा। सो जे करंट नहीं है तो आप मैक्सवेल इक्वेशन चक सकते हैं, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट ई कैप, इतने अपने को कुछ नहीं है ये चो, सो आलियाँ क्वानटिटीज जीरो हो जाएगी। जे जीरो हो गया जे अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड पहले ही नहीं हैगी, इतने ये तो होंगे जो अपने को डिसप्लेसमेंट करंट हों कैपैसीटर टाइप केस हो, सो आ फैक्टर जीरो हो गया, तो अपने को फोर्थ वाली टर्म जी बची सी ये भी जीरो हो गई। सो हुण साडे कोल की रह गया डेल म्यू एम डॉट बी आ वाला फैक्टर इक्वल का दे रह गया म्यू एम डॉट डेल बी दे, सो आपां इहनूं इदां लिख दित्ता, इस वैल्यू आ वाली वैल्यू आपां इत्थे फिल कर दित्ती इहदे ते। सो वी गॉट एफ दी इह वाली वैल्यू। सो हुण असीं की करना है, दिस गिवस दी एक्सप्रैशन फॉर दी फोर्स एक्टिंग ऑन मैगनैटिक डायपोल सबजैक्टेड टू मैगनैटिक फील्ड। हुण हुण इहदे विच की देखण वाली चीज़ आ, आपां तिन्ना अट्रैक्शन च देख लईए एक्स वाई जैड दे विच, सो की करांगे इहनूं आपां कंपोनेंट्स दी फॉर्म च लिख लांगे, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जैड के कैप। सो एक्स कंपोनेंट जे लिखना है एफ एक्स का तो आपां आ वाला लिख लांगे, इहदे नाल आ वाला फैक्टर मल्टीप्लाई कर लांगे, जे वाई लिखना है इहदे नाल आ वाला फैक्टर हो जूगा, जे जैड लिखना है इहदे नाल आ वाला हो जूगा। सो आपां इहनूं चंगी तरह लिख लिया, ठीक है। सो एक चीज़ मैं तुहाडे ते छड्डी सीगी, मैनूं एक दो बच्चों के रिप्लाईज आए सीगे, ठीक है, गुड है, बट मैनूं कई रिप्लाई जिन्हें सारे दे नहीं आए तकरीबन, पता नहीं तुसीं ध्यान नाल सुन भी रहे हो कि नहीं, प्लीज़ एक्नोलेज करो, ग्रुप की सैटिंग मैं चेंज कर दिना। सो मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन आइटम ये आप पढ़ लिया सी, अगे पैरा मैगनैटिक ते डाया मैगनैटिक ये शायद मैं ये भी मैं पढ़ाते सी, हाँ हुण आपां बिहेवियर की गल भी शायद कर ली सी, भी तीन तरह के होंगे आ कर ही ली सी, भी एक डाया हुंदा पैरा हुंदा ते फैरो हुंदा। सो हुण आपां स्टार्ट करना सी, आहो मैं आई इंस्ट्रक्टेड यू दैट कि आपां सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिहड़ियां दित्तियां मैगनेटाइजेशन वैक्टर, मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैगनैटिक इंडक्शन, ठीक है, आपां ये वालियां तुसीं मैनूं पढ़ के ते एक करन दसना है भी नहीं पढ़ लियाँ कि नहीं पढ़िया। सो रिप्लाईज़ मैनूं इन्ने नहीं आए, सो थोड़ा जिहा आपां इहदे ते डिस्कशन कर लैंदे हां। नेक्स्ट लैक्चर 'चों।